नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे शाही फोड़नी किचन में। आज हम बनाने वाले हैं रसम पाउडर। कम खर्चे में घर में ही बहुत सारा रसम पाउडर और टेस्टी रसम पाउडर आप बना सकते हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है गुंटूर लाल मिर्ची, 10-15 गुंटूर लाल मिर्ची लिए हैं। यहाँ पर लिया है 10-15 मैंने बैड़गी मिर्ची, ये बैड़गी मिर्ची है। दोनों थोड़ा थोड़ा डालना है, अगर आप तीखा खाते हो तो गुंटूर मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। यह है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, यह है थोड़ी सी हींग, यह है 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना, ये है राई, 2-3 चम्मच राई लिया है, ये 3 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च, थोड़ा सा तेल चाहिए, 1 छोटी कटोरी जीरा लिया है मैंने, छोटी कटोरी जीरा लिया है, 1 कटोरी मैंने यहाँ धनिया लिया है, अखा धनिया, और करी लीव्स लिए हैं थोड़े से। आइए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। एक कढ़ाई रखिए, मीडियम आंच में हमें भुनना है। इसमें डालिए मेथी दाना, मेथी दाना के बाद डालिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च, थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा होता है तो चलता है, कोई बात नहीं। ये मैंने डाला राई, मस्टर्ड सीड्स, हल्का सा भुनना है। इसके बाद डालिए करी लीव्स, सबको साथ में ही भुनना है, अलग अलग भुनने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार बनाकर देखिए, आपका रसम बहुत ही टेस्टी बन जाता है। अब इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा तेल, बहुत थोड़ा सा तेल डालना है। अगर आप इस तरह से बना के रखते हो तो कम खर्चे में बहुत सारा रसम पाउडर बन जाता है, और घर का रसम पाउडर तो हमेशा अच्छा होता है। ये डाला मैंने अखा धनिया, जीरा सबसे लास्ट में डालना है, जीरा बहुत जल्दी काला हो जाता है, इसलिए हमेशा जीरा सबसे लास्ट में डालिए। इसे भी भून लेते। ये डाला मैंने गुंटूर लाल मिर्च, ये है बैड़गी लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाते हो तो ब्लैक पेपर और मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, साबुत मिर्च। इसको भी भून लेते हैं, लो फ्लेम में ही, मीडियम टू लो फ्लेम में ही भूनना। ये मैंने डाला 1 छोटी कटोरी जीरा, जीरा सबसे लास्ट में डालिए हमेशा। अब डालते हैं हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये है हींग, बारिश के दिनों में, ठंडी के दिनों में रसम बहुत अच्छा होता है, और जब भी हमें सर्दी होती है थोड़ा सा रसम आप करके पी लेते हो तो बहुत गले में अच्छा लगता है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, मैंने गैस ऑफ कर दिया। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से फाइन पीस लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कितना मैं बोलती हूँ, कोई शेयर नहीं करता है मेरी रेसिपी, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, कुछ सपोर्ट कीजिए मुझे। ये हमारा रेडी हो गया रसम पाउडर। मेरी रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।